नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। यहाँ पर बॉर्डर बटालियन के जो एस्पायरेंट हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वो महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने से दिखा रहे हैं। यहाँ पर एकजुट जम्मू और युवा राजपूत सभा जो है वो यहाँ पर इन बच्चों के समर्थन में जरूर आए हैं, और ये तस्वीरें जो हैं ये बच्चों की। अच्छा, मुझे बताएगा कौन बताएगा? सर, हम आज फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, और इस तरफ आ जाओ। हाँ, एलजी साहब होश में नहीं है सर, हम उसको जगाने के लिए आए हैं। हम रोज, हमें भी अच्छा नहीं लगता सर प्रोटेस्ट करना, पर क्या करें सर, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। सर पिछले दिन भी हमने प्रोटेस्ट किया, रात को सर हम 10-11 बजे घर पहुंचे थे सर, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। बंद कर दिया था आपको अंदर? हाँ सर, बंद कर दिया था, हमें भेजा नहीं गया, भूखा रखा सर, कुछ खाने को नहीं दिया सर उन्होंने। और हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि सर हमारा जो रिटर्न है वो कंडक्ट किया जाए, जो रीएडवर्टाइजमेंट निकाली है उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो ये बच्चे जो हैं वो एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर युवा राजपूत सभा के जो प्रधान हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बारूद का बोला मत बनने दीजिए, ये युवा हैं, इन युवा को समझा बुझा के ठंडा कीजिए और इनकी जो बात सुनी जाए। नहीं आज सर, आप बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंटों के समर्थन में आए हैं, क्या क्यों, क्या वजह हो गई? जनाब बजे आप 24 घंटे इनके बीच में रहते हैं, ये खाना विदोषों की तरह भी इनके साथ छल कपट हो रहा है, तो कोई बोल रहा नहीं है। यहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर उड़ के यहाँ पे आए हैं, और इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? आप खुद ही समर्थन में आए, इन्होंने बोला था आपको? इन्होंने हमें बुलाया है। अच्छा। इन्होंने बोला है कि युवा राजपूत सभा हमारे समर्थन में आए, हम आए हैं, आज इनकी बात सुनी है, हम एलजी साहब से अपील करेंगे कि हम इनके साथ हैं, अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो हम मजबूर न होके इनके साथ जहाँ पे ये बोलेंगे वहाँ पे बैठना पड़ेगा, शाना बशाना इनके साथ बैठेंगे, कम से कम इनकी बात सुनी जाए। अगर इनकी नौकरी की बनती है तो दी जाए, नहीं बनती रिटर्न लिया जाए, इनको रिटर्न में फेल कर दी जाए अगर ये नहीं पास होते हैं। आपको क्या लगता है, बनती है कि नहीं बनती है इनकी जॉब? सर अगर इनकी नौकरी नहीं बनती है तो फिर किसकी बनती है? और बिहारियों की, यूपी वालों की बनती है, अगर जम्मू के लोगों की नहीं बनती है तो कब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? अगर 4 साल से इनके फार्म लगे हुए, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीका है। मैं खास करके एसएसपी साहब जम्मू से अपील करूंगा कि दोबारा इन पे जो है लाठीचार्ज नहीं किया जाए। इनको भी बोलूंगा मैं कि पुल बंद करने से आपके मसले हल नहीं होंगे, आप शांत एक जगह बैठ जाइए, दम रखिए, गवर्नमेंट आपकी वहीं पे आके बात सुनिए। 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें थी वो वापिस ले ली, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं देखिए, तानाशाही रवैया चल रहा है, 4 साल से लोगों को तैयारी कर रहे हैं, पेपर दो रिटर्न दीजिए, 4th साल आगे काटा मार रहे, जाइए घर जाइए, तो फिर मेरी बात सुने। आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, आपके डिपार्टमेंट ये काम करते हैं, फिर आप चार ओढ़ के लोगों के साथ बेवकूफी बनाते हैं, फिर उनको बोलते हैं नौकरी हम देंगे। आप तो छीनने वाले हो, नौकरी देने वाला कौन है हमें ये बताइए? अगर आपने यही काम करना है तो आने वाले समय में यही नौजवान आपको बताएंगे कि वोट ले तो आपने लेने जाना है ना, वोट की ताकत इनको पास है, अगर इनको नौकरी नहीं देंगे तो फिर ये आपके सवाल पूछ लेंगे। ना तो इनके पास कोई बिजली है कि ये बंद करेंगे, और आप जबरदस्ती जो भी काम हो रहा है जबरदस्ती बात करके मनवाई जा रही है। मैं एलजी साहब से अपील कर रहा हूँ कि इन लोगों की आवाज सुनी जाए, इनकी आवाज दबाई मत जाए, ये आने वाला भविष्य है। आप इन बच्चों को जो पलां वाला, प्रगवाल, सांबा सब बॉर्डरों से उठ के यहाँ पे नौकरी की आस में आ रहे हैं, और आप जो है इन पे डंडे बरसा रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इनकी मुलाकात आप एलजी साहब से करवाएंगे? देखिए अगर हमारे हाथ में होता हम अभी करवाते थे, लेकिन बड़ी जल्द ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी जल्द ही इनकी एलजी साहब से मुलाकात होगी। अगर देखो आज ही काफी दिन से हम आ रहे हैं, हम बहुत कुछ करके देख लिया, आज ऑफिस भी गए हैं, डिपकॉम भी गए, डीसी दफ्तर भी गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं हमारा जो भी हल होना आज ही हो, लेकिन हम जाएंगे, डीसी ऑफिस भी जाएंगे, एलजी ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ अगर हमें भूख हड़ताल पर बैठा पड़ा, हम भूख हड़ताल पर भी आज ही बैठेंगे, कल कुछ नहीं करेंगे, आज ही होगा। ये देखिए, ये देखिए आप, जो भी हमारे जम्मू के लीडर है उनको आधे आधे घंटे में वक्त मिल रहा है एलजी साहब से, जो जम्मू की आवाज है, जो जम्मू के नौजवान है, जो जम्मू का भविष्य है, वो तरस रहे हैं एलजी साहब से मिलने के लिए। सर आज ही जाएंगे, ये कब तक ऐसा हो जाएगा? तो आज ही में मुलाकात कर पाएंगे इनकी?
देखिए कोशिश करते हैं अभी। एलजी साहब तो बड़ी बड़ी चेयर हैं, अगर उनका टाइम वो देंगे तो ये मिल सकते हैं, जबरदस्ती तो मिल नहीं सकते। इसीलिए मैं इनको बोलूंगा कि शांतिपूर्वक रवैया अपनाए। अब जा रहे हैं जी एलजी, ये देखें ये सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, और एक बार फिर से ये रोड पर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर युवा राजपूत सभा के जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि एलजी साहब से बात की जाएगी, ये इस तरह का तानाशाही रवैया जो है वो नहीं चलने चलने दिया जाएगा। बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था तो इनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था और उठाकर इनको लॉकअप में भी बंद कर दिया गया था, पुलिस स्टेशन में भी लेकर गया गया था। उसमें कुछ जो बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट की लड़कियां थी उनको भी काफ़ी मारा पीटा गया था और उनका इलाज करवाने के लिए उनको अस्पताल भी लेकर जाया गया। तो ये एक बार फिर से आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काटो नया शुरू करो।